जय श्री राम। आज हमारे पाठ का 61वां दिन है, तो आइए शुरू करते हैं। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को लेकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं, तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। तब अत्री जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है, इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत जी ने अत्री मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्री मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्री ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है, काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देवयोग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था, वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्री जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्री जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं, यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुश, कांटे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर तृण अपनी कोमलता से, मृग पशु देख कर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जमाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं, उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन और बगीचे सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्री जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्री जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूं घूम फिरकर ढाई पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर
विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी, मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त है। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा, अभिलाषा और रहनी जानकर हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव, दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले, हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर सब गुरु जी मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कलेश नहीं है। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुयश धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राजधर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊं दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊं प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया, वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवध की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई, नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर हाय हाय करके मर ही जाते। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा।
धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा समाज दुखी हो गए। मुनिगण, गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मनों की ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए, वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहां जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। वह संकोच रस अकथनीय है। अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि, तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूली को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया। आप समाज सहित वन में आए, अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि, ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। तब श्री राम, लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जावाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम, मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत की माता कैकई के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आईं। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में हुलास, उत्साह नहीं होता। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई बहुत देर तक निमग्न रहीं। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे शिथिल हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। फिर सम्मान करके निषादराज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल, किरात, भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर वंदना कर करके लौटे। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह, स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए।
श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया, तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर ना रहा। आज बस इतना ही पाठ, आइए थोड़ा नाम जप करते हैं। राम 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 राम। जय श्री राम।